गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो गाइस, कल हम लोग गए थे भापने के लिए, तो वहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया। वहाँ पे काफ़ी मन लगा हमारा, तो हमारी पूरी फैमिली गई थी, तो सबसे हम लोग मिले, खूब अच्छा अच्छे से नाच गाना डांस वगैरह सब ने खूब अच्छे से हंसी मजाक सब ने खूब अच्छे से इन्जॉय किया वहाँ पर। और हम वहाँ से काफ़ी लेट भी आए थे, रात को हमें तो घर आते आते 1 बज गया था। फिर वहाँ से आके भी बातें हम लोग करते रहे, तो कल का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा। गाइस, बार भी तो चली गई है, लेकिन जो मेन संघर्ष है वो तभी है ही। अभी सुबह जाएंगे तो मुझे खाना तो बनाना ही है, तो मैं आज लंच में बना कर दूँगी सुमित जी को भिंडी और उड़द की दाल भरी हुई। चलते हुए किचन में बनाती हूँ दाल भिंडी। मैंने दाल में तड़का लगा दिया, दाल ही मेरी हुई है तैयार। और इधर मेरी भिंडी बन गई है, मेरी भिंडी तैयार हुई है। सो गाइस, बारहवीं चली गई है स्कूल, और बारहवीं तो मेरे सो के उठने से पहले स्कूल चली गई थी, क्योंकि मैं लेट सोई थी तो लेट ही उठी हूँ। उसकी बस जल्दी आती है, तो वो जल्दी चली गई थी बारहवीं, और अब वो स्कूल से आएगी, तो उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि हमारे घर में भी शादी है। तो अब मैं जाऊंगी मार्केट, बस बाद में इंतजार कर रही हूँ उसको खाना खिला के, और सोच रही हूँ उसका ट्यूशन भी पढ़ा देती हूँ उसको, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं उसका ट्यूशन पढ़वा के तब मैं जाऊँगी। गाइस, बार मेरी इतनी स्मार्ट है, रात से पता था कि मम्मा लेट आएंगी, तो मम्मा लेट उठेंगी, उसको उठ ही नहीं पाएंगी सुबह को, तो भाई को आरडी से ले जाके और रात में मैरून ला के फ्रिज में रख दी, और सुबह को उठ के ओवन में गर्म करके टिफ़िन में ले गई। फिर बोली, माँ मेरे भाई ने मुझे सुबह सुबह मैकरोनी बना के दी थी, तो भाई मेरे सोना से उठने से पहले ही भाई उसको छोड़ आया था, और अपना टिफ़िन तो उसने रात को तैयार करा लिया और सुबह को लेके चली गई। उसे पता था कि माँ लेट उठेंगी, तो उसे रात को तैयारी कर ली अपनी। सो गाइस, बारहवीं स्कूल से आ गई है, बारहवीं ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और इसका ट्यूशन भी हो चुका। अब बारहवीं पानी की बोटल लेके चल दी है। बारहवीं जो है बड़ी एक्साइटेड है कि मेरा लहंगा आएगा, बड़ी खुश हो रही है। बारहवीं, आप सुबह स्कूल गए तो आपने मुझे जगाया नहीं बेटा? हाँ ये तो है, तो अब मैं जाऊंगी मार्केट बारहवीं को लेके। गाइस, बारहवीं आई है अपन लहंगा लेने के लिए, तो बारहवीं जा रही है अंदर। चलो बारहवीं को बच्चों से बहुत प्यार है, दिखाओ जब दिखाओ, देखो अरे बेबी बहुत क्यूट है, वाओ। बारहवीं लेके चले इसको हैं? गाइस, खाना खा लिया, देखो फुला फुला कर गए बच्चे, किसी में लोकाट रख दिए, यहाँ पे घी की डिब्बी रख दी, पति देव ने ला के यहाँ कैंप पर रख दिया, टिफिन रख दिया, सारी किचन फुला दिए, सब्जी ला कर रख दी। देखो आज शाम को मैं नहीं थी, तो शाम को गुंजन भी नहीं आई, सारी किचन फैली पड़ी हुई है, और मुझे समझनी पड़ेगी, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। सबसे पहले सुनाऊंगी अपने कान्हा जी को, दूध का भोग लगा के अपने कान्हा जी को, उसके बाद कुछ करेंगे। पहले अपने कान्हा जी सुला देती हूँ, मेरे कान्हा जी बहुत लेट हो जाते हैं, कान्हा जी भी सो गए हैं मेरे कान्हा जी। जय श्री राधे। सुबह के लिए जमाऊंगी दही, देखा कितनी मोटी मलाई आ रही है इस पर। पूरी क्रीम ऊपर आ गई है इसके, अब इतनी मोटी दही की, इतनी मोटी मलाई की क्या दही जमाऊंगे ना, कौन सा हम इतने कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए मलाई उतार के तभी दही जमाऊंगी इसकी। गर्मियों में कमर बढ़ जाता है कि बोतल भरने वाला, बच्चे पीते कैसे फेंकते थे, और बार भी तो तंग करती, कुछ पूछो नहीं। मैंने 2 बोतल भर दी, बाकी सुबह देखती हूँ। चलो भाई, थोड़ी सी सब्जियाँ रख देती हूँ फ्रिज में, मैं तो ये काम तो सुबह को भी करना ही है, ये भी कर देती हूँ। लोग की बाहर रखेंगे, सुबह बना लेंगे भैया फ्रेश हो क्या। सो गाइस, काम सब हो चुका, सारा काम ख़त्म कर दिया,
मतलब जो होना था बाकी काम तो खत्म होते ही नहीं है। और आज मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है, आज क्या कल से ही मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है, थोड़ी सी बड़ी दिक्कत मतलब पेन हो रहा है गले में, दिक्कत हो रही थोड़ी बोलने में थोड़ा सा, और थकान सी महसूस हो रही है, आँखों भरी हुई नींद आज, क्योंकि दिन में भी रिलैक्स नहीं मिला ना बिल्कुल भी। समाज का लोग ही पेन करूँगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, टेक केयर, जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।